कंप्यूटर उपकरण कई प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये घटक हैं इनपुट उपकरण, मेमोरी उपकरण और आउटपुट उपकरण। हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोसेस में इनपुट लेता है और आउटपुट प्रदान करता है, लेकिन हम कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रदान कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हम इनपुट उपकरणों के प्रयोग से कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े देते हैं। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों, निर्देशों या जानकारियों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर कुछ ऐसे ही उपकरण हैं। इन इनपुट उपकरणों में से जो हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं वे हैं कीबोर्ड और माउस। तो हम सबसे पहले उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए हम कीबोर्ड से आरंभ करते हैं। कीबोर्ड किसी कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार की कुंजियों और उनके कार्यों को देखते हैं। टाइपिंग कुंजियां जो यहां पर हैं, वे टाइपिंग कुंजियां हैं। इनमें अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह, स्पेस बार और प्रतीक सम्मिलित होते हैं। कंट्रोल कुंजियां, कंट्रोल कुंजी, ऑल्ट कुंजी, विंडो के लोगो की कुंजी और एस्केप कुंजियां कंट्रोल कुंजियां होती हैं। ये कुंजियां या तो अकेले या किसी के साथ समन्वय में काम करती हैं। फंक्शन कुंजियां, कुंजियों को F12 तक F1, F2, F3 के रूप में लेबल किया जाता है। इन कुंजियों के कार्य प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन कुंजियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन कुंजियां, नेविगेशन से अर्थ है स्थानों का पता लगाना। नेविगेशन कुंजियां दस्तावेजों, डेटा शीट, प्रेजेंटेशन या वेब पृष्ठों में कहीं भी जाने और टेक्स्ट को संपादित करने में सहायता करती हैं। इन कुंजियों में एरो कीज यानी तीर कुंजियां, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट शामिल होती हैं। फिर यहां पर यह अंकीय कीपैड है। यह संख्याओं को डालने के लिए परंपरागत कैलकुलेटर के जैसे बना होता है। अब यह माउस देखिए। इसे माउस कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक वास्तविक चूहे जैसा होता है। माउस का प्रयोग सीखना बहुत ही रोचक है। इसके लिए एक कीबोर्ड से अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। हम माउस का प्रयोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वस्तुओं को दिखाने के लिए और वस्तुओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। माउस एक संकेत करने वाला उपकरण होता है। जब हम माउस को हिलाते हैं तो हम एक छोटा सा तीर देख सकते हैं। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। इस पॉइंटर के प्रयोग से हम प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े प्रदान कर सकते हैं। एक माउस में दो बटन होते हैं, एक बायां और एक दायां। माउस में एक स्क्रॉल करने वाला पहिया दोनों बटनों के बीच होता है, जो दस्तावेजों और वेब पृष्ठों के बीच स्क्रॉल करने में सहायता करता है।